आएंगे, जा रहे हो जी, बैठो फिर आएंगे जब अच्छा होगा। तो अभी मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे क्यूट क्यूट से, यहाँ पर लामाज आए थे रूम पे रहने के लिए, तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये भी जा रहे हैं यहाँ से आज, क्योंकि इनका टाइम हो गया अब ओवर, तो जा रहे हैं और साथ में चल रही है बहुत ही ज़्यादा बर्फ। तो चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। लेंगे, जा रहे हो जी, बैठो फिर आएंगे जब अच्छा होगा। कब आओगे आप? शायद गर्मी बहुत, फोटो खींच रहा हूँ गर्मी में, फोटो लेना बोला। तो हमारी सिया जी फोटो लेना चाहती है पिम्बा के साथ, तो देखिए इसका पोज। बाय। तो गाइस ये देखिए बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही ज्यादा। अभी पिम्बा चले गए हैं अपने गोंपा, तो अभी आएंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए देखते हैं कब तक आते हैं। हेलो गाइस, आप देख सकते हो हमारे शूज। तो गाइस आज हम बना रहे हैं थिंदुक, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरीके से बना रहे, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा गर्मा गर्म खाए कुछ थुप्पा टाइप। तो चलिए तैयार। तो गाइस आप देख सकते हो हम लोगों ने अपनी जो तैयारी कर ली है, आप देख सकते हो हमने क्या क्या कर दिया है, अपनी जो हमारी सामग्री है वो सारी हो गई है तैयार। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, अभी एक एक करके बताऊंगी। ये है आटा और ये देखो बिजू भैया, जबकि इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने सारा काम किया है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सभी ने मिल बांट के काम किया है। और आटा, इसके लिए हमें आटा गूंदा हुआ आटा, ये रहा हमारा पालक, ये हमारा रहा गाजर, ये हरा धनिया और मिर्च, ये मूली, मैंने पूरा क्रश नहीं किया इसको, थोड़ा सा इस तरीके से रखा, और ये थोड़ा सा अपना घेरी, और ये है मूली के पत्ते, और ये है मूली थोड़ा सा क्रश किया इसके साथ, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी मेन सामग्री है वो हो गई है तैयार। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बनाते हैं। आज बनाएंगे हम यहाँ पर हमारा जो तंदूर है, और पापा भी पीछे तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं मिर्च काट रहे हैं, बोल रहे कि कम हो गई मिर्च। तो यहाँ देखिए आप, ये तंदूर है, आज बनाएंगे हम अपने तंदूर पे खाना। ये हमने जो पतीला है इसके अंदर हम अपना जो थेंदुक बनाएंगे वो ये है, इसके अंदर करेंगे हम तड़का वगैरह जो थे। तो चलिए दोस्तों करते हैं तैयार। इस तरीके से ये क्या एक मेहनत बिजू भैया की, बेचारा थक गया थुप्पा खाने के चक्कर में, बेचारे को क्या क्या मेहनत करने पड़ रही है। नमस्ते।
गूंदने का काम। देखिए सॉक्स बना रही है मेरे लिए, इसको दिए मैंने 100 रुपये ना। क्या बना रहे हो आप? क्या बना रहे हो? मतलब जो हमने थेंदुक बनाया था, सबसे अच्छी बात पता क्या है? सबसे अच्छी बात है इस मौसम में आगे बर्फ और सामने ये ब्यूटीफुल सूप आप देख सकते हो। वाव, अब मैं इसको खाऊंगी फटाफट। अगर आपको पसंद आए ना तो आप जरूर बनाना, इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना, क्योंकि ठंड में अगर आप इसे गर्म गर्म थे दुख खाओगे तो आप मोटे तगड़े सेहत होगी आपकी अच्छी। तो चलिए हम तो इन्जॉय कर रहे हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ एक बार आप अपने घर पे भी ये रेसिपी बनाएं थे दुख। थैंक यू।